अब मैं आपको बताता हूँ, वी लुकअप में हम ट्रू का यूज कब करते हैं, हम हमेशा फॉल्स देते हैं, ट्रू का कब यूज करेंगे उसका? तो मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, इनमें से कोई भी डेटा ले लेते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कुछ डेटा है सेल्स का, ठीक है जी। अब एक क्वेरी है मेरे पास कि हमें इनको इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या है कि 0 से 20 तक जो है इनको कुछ भी नहीं देना है, देन मुझे क्या करना है 21 से 40 तक मुझे 500 रुपए देने हैं, ठीक है जी। 41 से 60 तक मुझे 1000 देने हैं, फिर 61 से 80 तक मुझे 1500 देने हैं, और जो ग्रेटर देन 80 रहेगा उस पे मुझे 2000 देने, ठीक है जी। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो या तो इफ का फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, इफ के थ्रू पहले बनाते हैं, इफ पहले ये देखेंगे क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 20 है, अगर 20 है तो 500 दे देते हैं, और अगर नहीं है तो क्या करना है हमने यहाँ पे ये जो फॉल्स वाले पैरामीटर में एक और इफ सेट करना है। फिर मुझे चेक करना है कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, बट 20 से मैं भी तो पंगा ले लेगा, 20 से भी बड़ा है। हाँ पहले क्या करना है चेक इसमें कि क्या ये ग्रेटर देन 20 है, तो 20 में मैंने 500 ऐसे नहीं लेने, नहीं है तो 0 दे देंगे, अगर है तो ये भी तो चेक करना है कि ये 40 से बड़ा तो नहीं है, तो यहां मेरा लगेगा एक ही कंडीशन है। यहां चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, अगर 40 है, ग्रेटर देन 40 है तो हम एक और इफ में चलेंगे, क्योंकि तो आगे और भी कंडीशंस हैं, अगर नहीं है तो यहां पे देने हैं 500, ठीक है जी। देन इफ में क्या चेक करना है कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 60 है,
अगर ग्रेटर देन 60 है तो एक और इसका फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉल्स में क्या दे देंगे हम 1000। ठीक है, 40 से 20 से बड़ी पे 500 दे दिया, और अगर 60 से बड़ी नहीं है तो हमने 1000 दे दिया। देन इसके अंदर जो इफ लगाया हमने, यहाँ पे एक और फॉर्मूला सेट करेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 80 है, अगर है तो हमें क्या दे देना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 80 के लिए मैंने सीधा दे रखा है 2000, ठीक है जी, और नहीं है तो 1500। ठीक है जी, ये कंडीशन इसके साथ सेट होगी। ये इफ में थोड़ी लंबी चौड़ी लग गई है, ठीक है जी। अब देख रहे हैं जो 20 से नीचे वहां 0 ही आ रहा है, तो इसमें जो कंडीशन लगी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसके जरिए लगाना, पर जब आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है तो आप वी लुकअप भी इसकी जगह यूज कर सकते हो सेम पैटर्न। बस आपको करना क्या है कि यहाँ 0 पे 0, यहाँ पे 21, यहाँ पे 61, मैक्सिमम वाली लिखता चल रहा हूँ 81। और यहाँ ऐसा करता हूँ, 30 यहाँ होगी, 61 यहाँ होगी, 81 यहाँ होगा। ट्राई कर लेते हैं कहाँ से सही बैठता है, हम नहीं 41 61, नहीं गड़बड़ कर, क्या कंडीशन सेट करी थी यहाँ, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। 21 से 40 में यहाँ 0, 41 61। एक बार ट्राई कर लेते हैं लगा के क्या मैं सही जा रहा हूँ। लुकअप में हमें क्या लगाना है, सेल्स के बेस पे लगाना है, और टेबल एरे जो हो जाएगा मेरा ये हो गया, इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसमें से क्या वैल्यू लुकअप करनी है मुझे, फर्स्ट ऊपर ये वाली वैल्यूज लुकअप करनी है, एंड कॉलम इंडेक्स यहाँ कौन सा है, इस वैल्यू का रेफरेंस लेना है। यहाँ आएगा मेरा 3, देन यहाँ पे जो फॉल्स लगाते हैं हम बात, यहाँ पे 1 या 2 देना। तो अभी गड़बड़ आ रहा है, अगर मैं इस पैटर्न को चेंज कर लूं, ठीक है, तो ये चलेगा। जीरो के लिए यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जीरो के लिए जीरो दे दे, और यहाँ पे डेटा को अपग्रेड कर दे। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली इसमें एक रेंज सेट हो गई, ये नीचे से ऊपर चल रहा है, 21 से लेकर जो 0 था, मतलब 21 से छोटी वैल्यू 0 से लेकर 20 तक के लिए हो गया 0, तो 21 से लेकर 40 तक के लिए, क्योंकि 41 तो ये आ जाएगा, 21 से लेकर 41 के लिए 500, 40 से लेकर 60 तक के लिए 1000, 60 से लेकर 81 के लिए 1500, और 81 और उससे ऊपर की वैल्यू के लिए 2000। इसमें कर क्या रहा है ये, VLOOKUP में हम जब इसको सर्च करवा रहे हैं तो इसमें जाता है, अब इसमें वैल्यू तो वो दिखी नहीं 48, ठीक है, तो वो कैटेगरी चूज करता है कि किसके आसपास है ये वैल्यू, ठीक है जी, मतलब लास्ट वैल्यू क्या थी,
अगर जैसे 48 से 61 के आसपास आ जाता है तो इसको पकड़ लेगा, 61 के ऊपर में, क्योंकि लोअर कैपिंग ही है, तो लोअर लोएस्ट वैल्यू को वो फाइंड कर लेगा, अपने आसपास की लोएस्ट वैल्यू को वो फाइंड कर लेगा। ठीक है जी, इसमें ट्रू का यूज यहाँ करते हैं। इसी की तरह सेम हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हम वी लुकअप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लुकअप, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने देना है लुकअप वैल्यू और लुकअप वेक्टर। हाँ इसमें ये का नहीं लेगा, तो खाली दो ही वैल्यू लेगा। लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर ये हो गया और रिजल्ट वेक्टर ये हो गया, तो इसमें अलग अलग चीजें देनी पड़ेगी। फर्स्ट हो गया हमारे पास लुकअप वेक्टर, देन हमारे पास हो गया ये रिजल्ट वेक्टर। ठीक है, पहली जो हो गई हमारी लुकअप वैल्यू हो गई ये वाली, दूसरी वाली की किसमें ढूंढना है इसमें ढूंढना है, और रिजल्ट किसमें से चाहिए वो इसमें से, अलग अलग रेंज इस तरह से करते हैं हमारे। और सेम उसी पैरामीटर पे काम करता है जिस तरह वी लुकअप हमारा 0 1 पे सेट हो जाता है, 2 पे रिजल्ट देता है, वही इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मुझे वैल्यू थोड़ी करनी पड़ेगी। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आपको सेम रिजल्ट। तो ये जो मैंने किया था वो वी लुकअप मैं ट्रू का यूज किया था, और यहां मैंने क्या यूज किया है, खाली लुकअप यूज किया। ठीक है, यहां मैंने कंडीशन ऐसी पैरामीटर के लिए आपके पास तीन फंक्शन है। थोड़ा सा सर एक बार वापस लुकअप सर। हाँ जी, हाँ जी सर, ये लुकअप का दोबारा से दिखाना फॉर्मूला, लुकअप का फॉर्मूला दिखा देते हैं। लुकअप का फॉर्मूला, वी लुकअप का, वी लुकअप, वी लुकअप का, वी लुकअप का सेम फॉर्मूला है आपका। जैसे हम लुकअप वैल्यू लेते हैं, टेबल एरे लेते हैं, कॉलम इंडेक्स लेते हैं, और लास्ट में ये रेंज लुकअप में ट्रू फॉल्स डालते हैं ना, तो यहाँ हमें ट्रू यूज करना है इस केस में। ओके, ये जो कॉलम 3 लिया है आपने, हाँ कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 1500 वाला लिया, 15000, ये 15000 1500 एंड ये देखिए क्या है ना, देखिए टेबल एरे में जो होता है हमारा टेबल एरे, ये वाला दिखा रहा है टेबल एरे में जो कॉलम होता है उसमें वो आईडी ढूंढता है। ठीक है, लुकअप वैल्यू इसमें ढूंढता है, उसके बाद इंडेक्स कौन से, 1 2 3, तो रिजल्ट मुझे किसमें से चाहिए, तीसरे कॉलम में से, 3। ठीक है सर, ये बाकी लुकअप का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें एक लुकअप वैल्यू है, लुकअप वेक्टर है और रिजल्ट वेक्टर। ठीक है, वैल्यू आपको पता है, लुकअप वेक्टर मतलब जहां वो वैल्यू ढूंढी जानी है, जहां इसने अलग से लिया है, तो रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर में ये जहां से रिजल्ट आना है। ठीक है, ये आपका मैच इंडेक्स की तरह काम कर सकता है, रिजल्ट वेक्टर आपका इस साइड भी हो सकता है। ठीक है जी, किसी भी साइड हो सकता है लुकअप के फॉर्मूले। तीन तरह के फॉर्मूले हैं इसमें। देन हम एक और चीज देखें, एक चीज पूछनी है। क्या चीज? हेलो, हाँ जी, एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ जी, हाँ जी सर, कौन सा फॉर्मूला इसमें कैसे लगाएंगे, कैसे देखेंगे हम कि कौन सा मैच इंडेक्स लगा सकते हैं, कौन सा वी लुकअप और कौन सा लुकअप? देखिए रिक्वायरमेंट के ऊपर, मेरी जरूरत थी यहाँ पे इंसेंटिव निकालना, मतलब अप्रोक्सीमेट लुकअप करना था। ये फॉर्मूले का यूसेज जो होता है ना उसी को याद रखना पड़ता है, इंसेंटिव निकालना हो गया, इसी तरह के काम में आपका ये तरह के फंक्शन चलेंगे। अगर आपको वैल्यू वैसे ही मैच करानी है वी लुकअप की तरह से, आईडी वाला सिस्टम, मतलब एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है, वहाँ वी लुकअप लग जाएगा, वी लुकअप मैच इंडेक्स वगैरह। आपको चार्टिंग वगैरह में कुछ चाहिए उसमें रेफरेंस लेना है तो हम ऑफसेट यूज करते हैं डायनेमिक चार्ट्स बनाने में। ठीक है जी, क्योंकि उसमें ऐसे डेटा लेना होता है, यूसेज के ऊपर है कि किस तरह का यूज आप कर रहे हैं।
इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर जगह आपका फिक्स ही हो जाता है, सिंपल कंडीशंस है। ठीक है जी, देन चलते हैं थोड़ा सा और घुमाते हैं इस चीज को। आपने देखा होगा अब मैंने इसमें से आईडी हटा दी। ठीक है जी, अब मैं चाह रहा हूँ जैसे फिल्टर यूज करते हैं ना हम लोग, यहाँ फिर यहाँ मैंने फिल्टर लगा दिया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया कोई भी एक फिल्टर, तो मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है जी, तो किसी भी का दिखा रहा है डेटा। मैं इस तरह की लिस्ट चाहता हूँ फिल्टर वाले इफेक्ट, उसमें वी लुकअप यूज करता हूँ। मतलब वी लुकअप अभी तक हमें एक ही वैल्यू दे रहा था, एक रिकॉर्ड की वैल्यू दे रहा था, अब वी लुकअप को इस तरह से प्रोग्राम करूंगा कि वो मल्टीपल रिकॉर्ड दिखा सके। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको काउंट का एक फंडा दिखाता हूँ, एक हेल्पर कॉलम लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि नाम कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो हम काउंट के फंक्शन के जरिए क्या करते हैं, काउंट काउंट पहले आपको काउंट के फंक्शन समझा देता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या करते हैं। देखिए काउंट का फंक्शन जब भी आप यूज करते हैं तो इसमें आपके सिलेक्शन में जितने नंबर होते हैं, मतलब जैसे मैंने क्या सिलेक्ट किया इसके अंदर, इसमें 11 तक सिलेक्ट किया तो 11 वैल्यूज है वैसे, पर जितने नंबर होते हैं वो नंबर काउंट करके दिखा देते हैं। आप चाहते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक काउंट करे तो काउंट ए यूज करते हैं, काउंट अल्फाबेट। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे 11 दिखा रहा है। ठीक है, देन आपके पास है काउंट ब्लैंक, मतलब आपकी स्पेसिफिक लिस्ट में कितने ब्लैंक है वो आपको दिखा सकता है। अभी 0 दिखा रहा है, अगर इसमें कोई भी ब्लैंक आता है तो ये काउंट करेगा। देन उसके बाद है हमारे पास काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, किसी कंडीशन के बेस पे, काउंट और इफ का ये कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या कर लिया, ये पूछा है रेंज एंड क्राइटेरिया, मैंने रेंज ये सिलेक्ट कर दी थी। मैंने कहा क्राइटेरिया इसमें ये देखो कि ये नाम कितने बार है। ठीक है, मैं बताया 16 बार है, तो मतलब किसी क्राइटेरिया को इसने इसमें सर्च कर दिया। ठीक है जी, काउंट इफ। अब काउंट इफ की तरह ही काउंट इफ्स है हमारे पास, जिसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया क्या है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया क्या है। और फिर मैंने इसमें दूसरा क्राइटेरिया क्या दे दिया कि मैंने कहा संदीप जो सी सेल में इसके आगे फरीदाबाद हो, क्राइटेरिया 2 मैंने दे दिया फरीदाबाद, ऐसे रिकॉर्ड कितने हैं। उसने बोला 2 रिकॉर्ड है ऐसे, हम टेस्ट करना चाहें तो देख सकते हैं, यहां से चूज किया और यहां से फरीदाबाद वाले चूज किए तो ये 2 रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरह से काउंट हमारी काउंटिंग में हेल्प करता है। काउंट पर जो काउंट को हम थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। अब जैसे डुप्लीकेट्स के लिए सिंपली कहें कि इसमें डुप्लीकेट फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, या किसी लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको रिमूव करना दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ ले लिया। अब इसमें मैं यूज कर सकता हूँ काउंट इफ, काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा मैं, और जिसमें मैंने रेंज ये पूरी ले ली, पूरी नहीं रेंज में मैं क्या कर रहा हूँ A1 ही ले रहा हूँ अभी फिलहाल, और क्राइटेरिया में क्या किया मैंने A1, मतलब रेंज यहीं से शुरू यहीं पे खत्म और क्राइटेरिया भी वही। बट इसमें एक चीज करनी है मुझे, जो पहले वाला A1 है ना इसको फिक्स कर देना। तो इससे होगा क्या, जब मैं इसको नीचे ले जाना शुरू करूंगा, ट्रैक करना शुरू करूंगा, तो क्या हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं कि ये जो A1, A2, A3 ये सब बदल रहा है, मतलब उसकी रेंज जो है नीचे जाते जाते बढ़ती चली जा रही है और क्राइटेरिया भी वही है। इसमें डुप्लीकेसी कैसे फाइंड करेगा ये, अगर मैं यहां से देखूं
ये क्या कर रहा है, हरजीत को ऊपर चेक कर रहा है, मतलब हरजीत को फाइंड करने के लिए लिस्ट इसके पास छोटी सी, तो इस लिस्ट में देख रहा है इसमें तो कहीं है नहीं। पर जैसे ही ये दूसरी बार आता है हरजीत यहाँ पे, तो अब क्या है कि इस वाली लिस्ट में हरजीत दो बार है, तो यानी कि दूसरी बार कोई भी वैल्यू रिपीट करते ही उसके आगे दो लगा देगा, इसी तरह से यहाँ दो तीन लगा देगा, ठीक है, जितनी बार मिला उस हिसाब से करता जा रहा है, हर एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कितनी बार आता है, ठीक है जी। और डुप्लीकेट का फंडा क्या होता है, इसके आगे मैंने एक लॉजिकल कंडीशन लगा दी नहीं है कि क्या ये ग्रेटर देन वन है, ठीक है जी, जहां ग्रेटर देन वन हुआ वहां क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा, ठीक है जी। तो फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ट्रू हुआ वो ट्रू वाले वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, आपके पास यूनिक वैल्यूज आ जाएंगे फिल्टर करके, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम हम यहां लगाएंगे यूनिक करने के केस में, कैसे करेंगे काउंट सर, ये डाटा के ऑप्शन में भी तो डुप्लीकेट रिमूव का वो ऑप्शन है, नहीं वो होता है पर मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूँ। अच्छा ठीक, होता तो है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ डेटा है रिमूव डुप्लीकेट, या आपका काम करते हैं। इसमें अपने आप रिमूव करके दे दिया, बट मतलब इससे नहीं है, ये तो आपके पास इजी वो है, और आप फॉर्मूले के थ्रू कई चीजें हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है। अब यहाँ हमें डुप्लीकेट फाइंड कराने की जरूरत है, और डुप्लीकेट को यूनिक बनाना है, कैसे करेंगे, काउंट इफ, सेम फंक्शन वैसे ही लगेगा इसमें, बस एक वही चीज करनी है हमें, v2 ओके, देन कॉमा लगा के v2, और पहला वाला हमें कर देना है जी। पहली बार इसने हर एक का सीरियल नंबर कर दिया, अब मुझे करना है यूनिक वैल्यू को, क्योंकि वीलुकअप में मैं फाइंड करूंगा कि पहला संदीप कौन सा है, दूसरा संदीप कौन, तो इन्होंने मुझे करके दे दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, हेल्पर में ही एक कंकैटिनेट लगा दूंगा उसके साथ की वैल्यू को, एंड लगा के उसके साथ की जो वैल्यू है उसको लगा, तो हेल्पर में मुझे क्या मिल गया, वैल्यू क्या क्या हो गई मेरी, यूनिक हो गई, मतलब जो संदीप संदीप दो बार आ रहा था वो वन संदीप टू संदीप करके हो गया, यानी कि यूनिक हो चुका है अब ये डाटा। अब मुझे ये चीज पता है कि इनके आगे वन लगा हुआ, टू लगा हुआ, थ्री लगा हुआ, ये चीज मुझे पता है। अब मैंने कहा था जैसे फिल्टर लिस्ट बनती है उसी हिसाब से, तो एम्प्लॉय नेम की भी जरूरत नहीं है, सिटी और सेल नेम मैं देने के लिए यहाँ दे देता हूँ, यहाँ पे आदमी लोग नाम देंगे, यहाँ नाम देंगे, तो इसको भी लुकअप करना है, पहले मैंने देखना है कि इसके काउंट कितने हैं, ये रिकॉर्ड्स कितने रिकॉर्ड, मैं क्या करूँगा काउंट का फंक्शन लगा दूंगा, काउंट इफ का, ठीक है जी, रेंज ये फुल हो गई, क्राइटेरिया ये चूज कर लिया, देन कंकैटिनेट करके कर देता हूँ, ठीक है, कितने रिकॉर्ड, जैसे ही मैं टाइप करता हूँ इसमें, सॉरी इसमें मुझे जो ये देना था कॉलम लेना था वो ये लेना, ठीक है, कितने रिकॉर्ड है ये मेरे को यहाँ दिखा देगा, ठीक है, रिकॉर्ड लिखने की वैसे जरूरत नहीं, मुझे तो अपने रेफरेंस के लिए चाहिए 16। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट संदीप सेकंड संदीप इस तरह से करना है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ सीरियल नंबर यहाँ चला देता हूँ, और नाम कंकैटिनेट यहाँ पे कर दूंगा इनके साथ में, बाकी भी लुकअप से लुकअप से मुझे क्या करना है, यहाँ से लुकअप वैल्यू उठाए और इसमें से
आपको यहाँ पे थर्ड कॉलम इंडेक्स और यहाँ चाहिए फोर्थ कॉलम इंडेक्स। पर इस तरह से एरर भी ना दिखाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कर दूंगा इफ एरर, अगर यहाँ कोई एरर है तो यहाँ ब्लैंक है, सेम यहाँ पे कर दूंगा इफ एरर, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला लगाना है जो ऊपर वाली वैल्यू से अपने आप वैल्यू उतनी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट कर देगा। कैसे करेगा? इफ ये जो है ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे वन दे दे, अदरवाइज क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, ठीक है जी। यहाँ पे हमेशा संदीप ही आना है, तो इसको मैंने हर बार कैटिनेट करना है किसके साथ, इसके साथ, तो इसको मैं कर देता हूँ, बाद में इन सबको भी हटा दूंगा। तो इस तरह से और ऐसा भी करता हूँ कि यहाँ अगर वैल्यू ना हो तो यहाँ भी कुछ ना दिखा, तो यहाँ पे का फॉर्मूला एक लगा देता हूं कि अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है देन यहां भी ब्लैंक रखे, अदरवाइज कंटिन्यू करे नीचे तक, ठीक है। सर इसको नीचे तक ले जाता हूं एक बार, जितना कि फॉर्मूला भी फिट हो गया और कुछ हुआ भी। अब मुझे क्या करना है, ये जो है ग्रेटर देन है इससे, जैसे ही ग्रेटर हो वहां क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज क्या करें, ऊपर वाले में प्लस वन करें, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर ले, अब यहां पे यहां तक तो सही आया, मैं एक चीज मुझे फिक्स करनी है, जी फाइव इसको फिक्स कर देना, ताकि जब ड्रैग करूं तो ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे तक वो फॉर्मूला फिट कर दिया और यही अपना व्यू कब वाला भी खींच लेते हैं। यहाँ पे एक फालतू दे रहा है, क्या करना है, कैलकुलेशन का गड़बड़ है कि ग्रेटर देन नहीं लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना, अपने आप ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही नाम चेंज करेंगे ये उसका डेटा दिखा देगा जितना भी होगा, चाहूं तो ये फॉर्मूला मुझे पूरी तरह से यहाँ लगाने के लिए मुझे क्या करना है कि कंकेटिनेट वाला यहाँ से ताकि इधर डालना, या ना भी डालें उनको कंबाइन कर दें, एक सिंपल सा तरीका है आपके सामने। अब मुझे थोड़ा सा और ऑटोमेटिक बनाना है इसमें, मुझे क्या करना है कि जो इसमें नाम है उनकी लिस्ट मुझे दे दे, आप वही वाला तरीका यूज कर सकते हैं अपना जो हमने इसमें डुप्लीकेट हटा के, इसमें सर वैलिडेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी वैलिडेशन, तो ये जो लिस्ट है मुझे ये मैं डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ फिर इसका,
ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लिस्ट भी जनरेट करा सकते हैं चाहे तो, और डेटा वैलिडेशन में दे देता हूँ इसको लिस्ट में, ये लिस्ट आ गई। अब ये आपके सामने यहाँ पे फिल्टर वाला काम है, ठीक है जी। शीट्स को हम कुछ तैयार इस तरह से हम डैशबोर्ड में ऑटोमेट कर। सर जैसे कि इसमें वन ये आपने ज्वाइंट किया हुआ है अर्जिंदर, वन टू थ्री अर्जिंदर ये किया हुआ है ना, इसको काउंटिंग तो हमारी आगे ही आ रही है, इसके साथ लगाने में क्या फायदा था इसका? फायदा वो लगाया किस लिए वो देखिए, वी लुकअप में मैंने फाइंड क्या किया, मैं इसकी कीवर्ड को फाइंड करूंगा ना, लुकअप वैल्यू की रहेगी जी, है ना। अगर मैं इसको लुकअप वैल्यू ये नहीं रखता हूँ तो क्या होता है, वो वी लुकअप हमेशा पहला वाला रिकॉर्ड उठा के देगा। अगर मैं खाली वी लुकअप लगा के किसी एक का इनमें से यहीं से डेटा ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, टेबल एरे कॉलम इंडेक्स ये क्या करेगा, मुझे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ही देगा, सेकंड वाला कहां से लाऊं। मैंने क्या किया, इसको यूनिक कर दिया इसके आगे काउंटिंग लगा के, अब ये मुझे क्या दे रहा है, और भी रिजल्ट दे रहा है। तो लुकअप वैल्यू तो है मेरे पास, लुकअप एरे में भी तो वो चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए वो यहाँ है। हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट कंकैटिनेशन देके वी लुकअप के अंदर ये टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मैं वो यहाँ हो गया, और यहाँ से कंकैटिनेट कर देता हूँ इससे, कंकैट कर देता हूँ जितना भी। ठीक है जी, तो अब उसकी काउंटिंग की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, ठीक है जी। तो एक ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी मैं देखता हूँ समिट वगैरह वाले मैंने बता दिए थे ना, मेरे ख्याल से समिट वगैरह में बता चुका। समिट आपने नहीं बताया था? नहीं, मैथ वाले में मैंने बताया होगा समय वाले, कि या मैंने छोड़ा होगा बाद के लिए। चलिए अभी बताया नहीं था समय। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोबारा से समय किस लिए यूज होता है। जैसे आपको इनके आगे समरी बनानी है, ये जो टोटल आ रहा है ना, इसका टोटल क्या है, इसको जानने के लिए समय यूज होगा। जैसे ये क्राइटेरिया है, तो नॉर्मल सम का फंक्शन तो आप जानते हैं, समिट में क्या होता है क्राइटेरिया विद क्राइटेरिया हो जाता है। तो पहला है समिट में रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, रेंज वो होगी जिसमें आप क्राइटेरिया लगाएंगे देन सम रेंज दे सकते हैं। तो रेंज मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ ये एम्प्लॉय नेम की, ठीक है जी। क्राइटेरिया मैंने दे दिया ये यहाँ से, देन सम रेंज कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है जी। आप देखेंगे हर एक का टोटल आपके सामने, जैसे इसका देखें हरीश का 810 है,
यहाँ देखेंगे 810, ठीक है जी। ये तो बात रही सिग्नल क्राइटेरिया पे, रेंज पहली चीज रेंज रहेगी जिसमें उसने क्राइटेरिया ढूंढना है, देन उसका क्राइटेरिया, फिर सम क्या करना है। कई बार क्या होता है कि सम जिसको हम करते हैं उसी के अंदर क्राइटेरिया होता है, किस तरह से, जैसे मैंने कहा कि ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यू जो है वो कितने, उनको सम कर दे, सम इसमें जो रेंज है वही क्राइटेरिया है, ठीक है जी। क्राइटेरिया हो गया इसमें ग्रेटर देन 50 वाली, इसमें जो भी क्राइटेरिया देंगे आप तो इस तरीके से देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 50, लेस देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नॉट इक्वल टू, इस तरह से देंगे टेक्स्ट की तरह से, ठीक है जी। तो टोटल ये वैल्यूज है 4987, यहाँ चेक करना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं ग्रेटर देन 50 वाली, और यहाँ से ये चेक किया आपने 4987। अब बात आती है समय में दूसरा क्राइटेरिया लगाने की, एक और क्राइटेरिया लगा देते हैं, दो क्राइटेरिया लगा देते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा क्राइटेरिया मैंने चूज कर दिया कि ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो सम इफ के फंक्शन से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया इसमें सम इफ्स का फंक्शन एक ऐसा और बढ़ा दे, सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि क्राइटेरिया रेंज आप बहुत सारे यूज करेंगे तो ये कहता है कि बेटर है आप मुझे सम रेंज पहले बता दो कि क्या सम कर, बाद में कंफ्यूजन का कोई टाइम नहीं, तो सम रेंज इसमें आपको पहले देंगे, इन सब में क्या है कि इसमें आपको बाद में देंगे, अभी इसके बाद क्राइटेरिया एक के बाद एक दे जाएंगे। जैसे पहला क्राइटेरिया होगा नेम का, तो मैंने नेम की रेंज सिलेक्ट कर ली और देन क्राइटेरिया दे दिया। दूसरा क्राइटेरिया मैंने बोल दिया सेल्स का ही है, वो क्या क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 60, तो ये मैंने चूज कर लिया, तो ग्रेटर देन 60 वाला जो टोटल है वो सबका सेपरेट लीजिएगा। तो ये इस तरह से आप सम यूज कर सकते हैं। देन उसकी बात करते हैं कि इसमें से मुझे मैक्स वाले मैंने फंक्शन बताए कि इसमें से टॉप 5 वैल्यूज कैसे निकालेंगे फंक्शन के थ्रू, टॉप 5 लोअर 5, हाँ जी। हेलो, विनय जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ टॉप 5 वाला मैंने बताया, हेलो, टॉप 5 कैसे, हाँ जी हाँ जी बता दिया हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। स्मॉल और लार्ज के फॉर्मूले हैं आपके, चलिए फिर ऐसा करते हैं, फिर बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी। इसमें कल अभी क्या करेंगे सर, कल में है? कल में हम फाइनेंशियल कर लेंगे, फाइनेंशियल क्या करेंगे, फाइनेंशियल फॉर्मूले कर लेंगे कल। अभी सर, हाँ अभी लॉजिकल में सर वो भी रहता है ना, अभी ऑफसेट वाला भी, ऑफसेट वाला मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, अभी वो नहीं, अभी ऑफसेट ऑफसेट रहता है सर, ऑफसेट रहता है सर अभी, ये सर मैंने आपको कल मेरे ख्याल से बताया था, मैं दिखाता हूँ, ये जो कल आपने सिर्फ ये जो मैंने दिखाया था वो इंडेक्स और ये वाला दिखाया था ना मैंने आपको ऑफसेट में, ये वाला याद है आपको एग्जांपल, ऑफ
ऑफसेट कर लेंगे दावा सर। ये देखो शीट वही वाली है कल वाली, इसमें मैं इसी में मैंने बताया था, इसीलिए मैंने ये कर रखी है। चलो मैं फिर बता देता हूँ एक बार। जी देखो कॉलम दो चीजें हैं इसमें, मैच इंडेक्स या किसी भी और तरह के फंक्शन में आपको क्या होता है, फुल रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसमें आपको देना होता है रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट, तो मेरा स्टार्टिंग डेटा का पॉइंट है ये रहा, ठीक है जी। देन ये वो पूछता है रो एंड कॉलम, तो रो मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉलम मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी। देखते हैं क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 0 है, तो हमें क्या दिखा रहा है, ये फर्स्ट पोजिशन दिखा रहा है, यानी 0 कॉलम 0 रो। अब मैं कहता हूँ कि एक रो नीचे उतर जाए, फर्स्ट रो, तो 0 ये है तो नीचे ये जो काउंटिंग स्टार्ट करता है वो 0 से करता है। तो जैसे रो में अगर काउंटिंग होगी तो जो मेरा रेफरेंस सिलेक्ट किया 0 वो हो गया, देन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करेगा रो में। कॉलम में क्या है, 0 यही कॉलम है जो भी बाय डिफॉल्ट रेफरेंस में सिलेक्टेड है, देन 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलता हूँ इसमें फोर्थ रो में सेकंड कॉलम में कौन सी सिटी है, फोर्थ रो में सेकंड कॉलम में कौन सी सिटी है, तो ये दिखा रहा है। फोर्थ कैसे हो गए, ये 0 1 2 3 4 0 1 2, ठीक है जी। तो इस तरह से इसने इसका एक रिजल्ट दे दिया। देन बात करते हैं इसमें दो और चीजें हैं, हाइट एंड विड्थ, दो पैरामीटर और हैं। हाइट विड्थ में क्या डाल देता हूं मैं, और इसको यहां पे आगे ये ऑप्शनल है, पहले हाइट चूज की विड्थ चूज। अब इसमें इसने दिखा दी एरर, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एफ टू करके कंट्रोल से एंटर दबाता हूं तो मुझे क्या दिखा रहा है, मतलब पहले रो कॉलम पे आते हैं कि ये फोर्थ रो पे आया, देन सेकंड कॉलम पे गया, ठीक है जी। देन हाइट 2 है, तो ये इसने क्या किया, शिफ्ट के शिफ्ट दबाया और दो कॉलम यहाँ दो रिकॉर्ड यहां से सिलेक्ट कर लिए 200। देन इसने देखा विड्थ 3 है, तो 3 इसने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। तो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी दे सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। इसका यूज हम चार्ट्स में करेंगे, और अगर वैसे देखना हो तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉलम को 3 कर देता हूँ, टोटल नंबर्स में आ जाता हूँ, तो 2 हाइट और 3 कॉलम, इनका जो टोटल है 386। और मैं अगर इसमें सम का फंक्शन लगा दूँ तो ये यही रिटर्न कर देगा, यानी रिटर्न करेगा, इसमें रिटर्न करेगा अगर इससे पहले मैं सम का फंक्शन लगा दूं, क्योंकि ये उसको यही रिकॉर्ड देगा। 243 आ गया, 2 3 दिल्ली से 2 और 3 243, ठीक है। इसको हम उसमें ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बाकी बीबीए में भी इसका यूज होता है। बाकी अगर आपने देखना हो तो एफ टू करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर सकते हैं, कितना रिकॉर्ड निकल रहा है आपको पिक्चर, ठीक है जी। 80 33 41 29 ये वाला, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो इसमें? नहीं, ठीक है सर, फिर कल हम करेंगे फाइनल। फॉर्मूलेस के बाद तो सर चार्ज मिलता है ना? हाँ जी, फॉर्मेट के बाद तो चार्ट बचेंगे ना? हाँ चार्ट बचेगा, चार्ट बचेगा, थोड़ा सा डैशबोर्ड बचेगा, बाकी आपके और भी बता देंगे, समय व्हाट इफ वगैरह, व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह बता देंगे। हेलो, गोल चेक वगैरह। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, ये मेरे पास और फॉर्मूला नहीं है ना, तो टैक्स के और ना डेट के। हाँ मैं ढूंढ रहा था आज, एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम था, मिले नहीं मेरे को, मैं ढूंढता तो डेली हूँ पर समय ऐसा नहीं।
मैं दे दूंगा। आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं? मेरे पास सिर्फ